चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि एक आपका कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स छपते हैं दिन में। तो यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है कि एक पर्टिकुलर डे में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज वर्थ 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हम सपोज करेंगे कि लेट द, क्या सपोज करना है, लेट द आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो एक्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनका जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा बताओ। कॉस्ट उन्होंने क्या बोला है कि जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उसका 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर, 3 मोर देन द ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 मोर देन है, ये उसका इतना कॉस्ट और ये उसका इतना प्रोडक्शन पर डे है। तो आपसे बोला कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, मतलब टोटल जो 90 रुपए जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई है, तो फाइंड द आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द कॉस्ट ऑफ दिस प्राइस, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखा जाए, उन्होंने कहा है कि जो टोटल कॉस्ट आया है वो आपकी 90 रुपए, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक आर्टिकल की, तो हम यहाँ पर लिख दें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की जो वो कीमत है वो 2x+3 है और टोटल एक्स है ये लोग, तो आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टोटल 90 रुपया आया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जितने भी आर्टिकल हैं उसकी जो कीमत हुई है वो कितनी है, टोटल 90 रुपये, तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x = 90। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है इसका, तो यहाँ पे देखेंगे 2 लिखा है और ये आपका क्या लिखा है, 90 लिखा है, तो मल्टीप्लाई करने में आपका कितना आना चाहिए, 9 2 = 80, मतलब 180 आना चाहिए, और एड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए आपका, 3 आना चाहिए। तो इस तरह कंडीशन में हमको इस तरीके से सोचना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने में 180 का पेयर कब बनता है जिसमें 3 का गैप हो, इस तरीके से समझो आप। जैसे आप अगर आप 15 एक नंबर 15 लेते हो तो एक नंबर आप 12 लो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का 3 का गैप भी है, और आप मल्टीप्लाई कर दे लें कितना होगा, तो 15 2 = 30 कैरी है 3, फिर लो देखो पहले ही सोचा और उसी में ही आ गया होगा 15 और 12। सो गाइस ये क्या हो जाएगा आपका 2x² + इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, -90 = 0। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ गाइस, तो आपको थोड़ा सा सही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x² + अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x का तो 15x माइनस का 12x - 90 = 0। तो पहले दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ सिर्फ x आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है 2x + 15। यहाँ से मैं क्या कॉमन, ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ पर 2 लिखा हो तो यहाँ पर ऑब्वियसली 6 ही आएगा, ये हमेशा होता है रूल, तो 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा 6 2 = और ये प्लस का 15 = 0। ठीक है गाइस, तो चूंकि आपको पता है -6 कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे ये जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप 2x + 15 और ये क्या हो जाएगा आपका x - 6 = 0। तो आप देख सकते हैं कि हो जाएगा 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0, तो आपका 2x = क्या हो जाएगा, -15, तो x = हो जाएगा आपका -15/2 और ये x = 6। तो आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन मांगा, तो प्रोडक्शन कभी माइनस में तो होगा नहीं, तो ये चीज़ तो ट्रू हो नहीं सकती, इसलिए टोटल प्रोडक्शन कितना है आपका 6 है। तो अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट मैं यही बता देता हूँ, चूँकि कितनी कॉस्ट 2x+ है तो 2 × 6 + 3, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 6 2 = 12 + 3, दैट मीन्स आपका 15। टोटल जो आपका एक आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपये और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं वो कितने, 6 हैं। ठीक है गाइस, तो होपफुली आपको समझ में आएगा, वीडियो का अंत देख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।